वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, चले आज नया प्रोग्राम बनाते हैं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने का। चले शुरू करते हैं। शुरू करने में शुरू की दोनों हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। क्यों लगाई stdio.h? प्रिंट एफ स्कैन एफ के लिए, और conio.h लगाई clrscr और getch के लिए। stdio.h और conio.h के लिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। प्रोग्राम शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन वॉइड मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में कर्ली ब्रैकेट, तीन वेरिएबल बनाऊंगा मैं इंटीजर टाइप के। इंटीजर के लिए इंट कीवर्ड का यूज करते हैं, तो इंट नम वन कॉमा नम टू कॉमा मल्टीप्लाई सेमी कॉलन। तीन वेरिएबल बना दीजिए, नम वन नम टू और मल्टीप्लाई। नम वन नम टू मैं किससे लूंगा? यूजर से लूंगा, और मल्टीप्लाई में उसका आंसर लेके यूजर को प्रिंट करा दूंगा। चले यूजर को मैसेज प्रिंट करते हैं। इससे पहले अगर पुराना आउटपुट नहीं देखना हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? clrscr, जो मैंने क्लिक दिया है। अब मैं यूजर को मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर। इससे यूजर क्या करेगा, मुझे फर्स्ट नंबर इंसर्ट करेगा, मुझे देगा। फिर मैं लगा रहा हूँ स्कैन एफ परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों लगाया? क्योंकि आने वाला इनपुट नंबर डेसिमल है, इंटीजर है, इसलिए मैंने परसेंटेज डी लिखा है। फिर कोमा करके एड्रेस ऑफ नम वन, पहला नंबर आएगा, रीड होगा और नम वन में जाके सेव हो जाएगा। अब मैं यूजर से दूसरे मैसेज के लिए प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर। यूजर अब मुझे कौन सा नंबर डालेगा? सेकंड नंबर इंसर्ट करेगा। इसको भी मैं स्कैन करा लूंगा। स्कैन फंक्शन किसी भी इनपुट को रीड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो स्कैन एफ ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एड्रेस ऑफ नम टू। तो पहला नंबर कहाँ चला गया? नम वन में। दूसरा नंबर कहाँ है? नम टू में। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई, जो कि वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू नम वन मल्टीप्लाई का साइन, जो कि स्ट्रेक साइन है, नम टू। नम वन और नम टू दोनों का मल्टीप्लाई होकर किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब इसी में जो आंसर है मुझे यूजर को प्रिंट कराना है, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा द मल्टीप्लीकेशन इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा वेरिएबल का नाम लिख दूंगा मल्टीप्लाई। इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा से बाहर क्यों रखा है? क्योंकि इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलन, सारा काम हो गया। तो मैं लिखूंगा गेट सी एच, क्योंकि मुझे आउटपुट स्क्रीन होल्डर है। फिर प्रोग्राम का कर्ली ब्रैकेट बंद। अब इस प्रोग्राम को हम करेंगे सेव। फाइल में आके भी सेव कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट एफ टू दबा के सेव कर दें। प्रोग्राम का नाम रखा मैंने मल्टीप्लाई डॉट सी। प्रोग्राम सेव हो गया। अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। अब मैं शॉर्टकट की का यूज करूंगा कंपाइल करने के लिए, अल्टर प्लस F9। देखिए मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, कोई रन नहीं है प्रोग्राम में। अब इस प्रोग्राम को हम करेंगे रन। रन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F9। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए प्रोग्राम रन हो गया और मुझसे पूछा जा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया, फिर लिखा गया एंटर सेकंड नंबर। मैंने सेकंड नंबर इंसर्ट कर दिया और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके मल्टीप्लिकेशन इज जो करेक्ट मल्टीप्लिकेशन है मेरे सामने आ गया है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्रोग्राम बना है वो बिल्कुल सही बना है और कंपाइल भी सही हुआ, रन भी सही हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।